द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। 136 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया है, जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को 64 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के इस जीत के पीछे निश्चित रूप से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के तमाम उस टीम वर्क की मेहनत भी है, जिसमें कांग्रेस ने सफलता का परचम लहरा दिया है। लेकिन इन सब को गाइड करने वाला, इन सब के पीछे असली प्लानिंग करने वाला कोई और है, जिसकी चर्चा अब देश भर में होने लगी है। आप ठीक समझ रहे हैं, जैसे जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, प्रशांत किशोर का नाम आपके जहन में सबसे पहले आता होगा, क्योंकि उन्होंने खुद की भी पब्लिसिटी कर रखी है, खुद भी उनका एक चेहरा है, ब्रांड है। लेकिन ये वैसे चेहरे हैं जो पीके के साथ भी काम करते थे, जो बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, बीजेपी को भी कई अहम जीतें उन्होंने दिलवाई हैं। लेकिन अब यह चेहरा ना आपको सोशल मीडिया पर कहीं दिखाई पड़ता है, कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर डीपी तक नहीं लगाते। नाम है इनका सुनील कानूगोलू। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की नैया कर्नाटक में इस तरीके से पार लगाई है जैसे कोई शाही सवारी कर रहा हो। इस जीत ने कांग्रेस को वो ताकत दी है जो 2024 में बड़ा ही काम आने वाली है, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। इसके पीछे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं सुनील, उनके बारे में तो दिलचस्प जानकारियां भी सामने आई है। उन्होंने कर्नाटक में कैसे रणनीति बनाई है, इसको लेकर भी ललन टॉप ने जानकारी दी है, वो हम आपके सामने साझा करते हैं। इसके साथ ही साथ सुनील के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये इतने बड़े स्टार हैं, बावजूद इसके स्टार वाली इनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई इनका नाम भी नहीं सुना था, ना ही इनकी तस्वीरें कोई जानता है। कहा जाता है कि इसी वजह से कई मीडिया वाले सुनील के बारे में छापना भी चाहते हैं तो गलत तस्वीरें छाप देते हैं। अपने स्क्रीन पर इनकी तस्वीरें देख लीजिए, ये वही है। और इन्होंने जो कमाल कर दिखाया, इससे ना सिर्फ पूरी कांग्रेस गदगद है, राहुल गांधी भी खुश हैं, प्रियंका गांधी भी खुश हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे थे, प्रियंका गांधी जो भाषण कर रही थी, जो उनके इवेंट हो रहे थे, जो चुनावी वायदे हो रहे थे, कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें पूरी प्लानिंग करने में निर्देशक सुनील का था। और सुनील महज 40 साल के हैं और इन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को फिर से लाखड़ा किया है, तो समझ लीजिए ये कितने बड़े रणनीतिकार होंगे। जहां एक ओर पूरी भाजपा चाहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, वहीं सुनील की मेहनत ने, सुनील की स्ट्रेटेजी ने दक्षिण भारत से बीजेपी को ही बाहर कर दिया, यानी बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत आप कह सकते हैं। ललन टॉप ने एक ट्वीट भी किया है, उनकी तस्वीरों को साझा करते हुए एक साइड में, और ट्वीट में लिखा भी है कि बीजेपी और पीएम मोदी की सफलता में सुनील कानूगोलू बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। पर्दे के पीछे काम करने वाले इस रणनीतिकार की तस्वीरें भी नहीं मिलेंगी, एक कोने में बैठे हुए हैं। हम आपको खबर में भी दिखाएंगे कि क्या सब जानकारी इनके बारे में है। ललन टॉप ने जो इंफॉर्मेशन दिए है वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह भी कहा जाता है ब्रांड पीएम की छवि प्रधानमंत्री मोदी की पीके के साथ मिलकर सुनील भी तैयार करते थे, लेकिन बाद में सुनील और पीके के रास्ते अलग हो गए। उसके बाद फिर सुनील ने जो धमाका किया है उसे पूरे देश ने देखा है। इनके रणनीति का लोहा अलग अलग दलों ने माना है। स्टालिन इतने बड़े चेहरे कैसे बने, इसके पीछे भी सुनील कानूगोलू का ही हाथ बताया जाता है। उनकी रणनीति पर चलने वालों ने सफलता का स्वाद चखा है और ऐसे में अब कांग्रेस के लिए जो इन्होंने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग ने तो कमाल करके दिखा दिया है। अब देखिए आप, कर्नाटक में सुनील की रणनीति क्या थी। बताया जा रहा है ललन टॉप के मुताबिक, प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद सुनील ने चुनावी कैंपेनिंग के लिए अपनी कंपनी शुरू की, माइंड शेयर एनालिटिक्स। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कर्नाटक के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। जानकार बताते हैं कि सुनील की टीम ने कर्नाटक के सभी सीटों पर सर्वे किया था। राजदीप सरदेसाई के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व में जरूर टिकटों का बंटवारा किया, लेकिन यह भी तथ्य है कि सुनील की टीम ने
राहुल गांधी को जो सर्वे सौंपा था उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ था और सर्वे भी जमकर हुए थे, खूब सर्वे किए गए थे, महीने दर महीने सर्वे किए गए थे, इसकी भी जानकारी सामने आई है। ये पूरा दिमाग सुनील कानूगोलू का था। राजीव सरदेसाई से बातचीत करने के बाद ही यह जानकारी आई है, उन्होंने जो सोर्स निकाले वरिष्ठ पत्रकार है। तो राजदीप के मुताबिक पूरे चुनाव में सुनील ने बैकरूम ऑपरेटर की तरह काम किया, वे कभी खुद को आगे नहीं करते हैं ना ही प्रशांत किशोर की तरह हावी होते हैं। बकौल सरदेसाई, सुनील को आप एक बढ़िया टीम प्लेयर बोल सकते हैं और उनके मैनेजमेंट में तो कमाल कर दिया, वो मैनेजमेंट में भी माहिर है। उन्होंने क्या क्या किया पता है आपको, ये पीसीएम क्राइपीएम ये सब सुनील का दिमाग था। ये छोटी छोटी बातें इतनी इंपैक्टफुल होती हैं कि चुनाव के नतीजे भी बदल सकते हैं। ये बातें प्रशांत किशोर ने भी कर दिखाई थी, चाय पे चर्चा ये सारी चीजें उसमें भी सुनील का हाथ था। सुनील ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अमेरिका से वापस लौटे उसके बाद इन्होंने प्रशांत किशोर की टीम को ज्वाइन किया था और वहां उस वक्त सीएजी चलती थी, बाद में वो आईपैक में बदल गई, फिर सुनील ने खुद को वहां से अलग कर लिया। बीजेपी के लिए खूब इन्होंने प्लानिंग बनाई, खूब नाम कमाए, लेकिन इनको पब्लिसिटी नहीं हुई, उन नेताओं को मिली, उन बीजेपी वालों को मिली। प्रशांत किशोर ने अपना चेहरा चमकाया लेकिन सुनील बिल्कुल लाइम लाइट से दूर रहे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका चेहरा क्यों नहीं चमक रहा। वो एक रणनीतिकार है, पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं। देखिए जानकारी यह भी है कि कांग्रेस के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी ने पिछले 8 महीनों में 5 सर्वे किए थे। नेता के मुताबिक कुछ सीटों को छोड़ दे तो उम्मीदवारों का चयन सुनील कानूगोलू की टीम के सर्वे के आधार पर ही हुआ था। ललन टॉप ने इसकी जानकारी दी है कि इसी सर्वे के आधार पर 70 हॉट सीटें भी चुनी गई थी। अब जरा समझ लीजिए कि सुनील कानूगोलू ने क्या कमाल कर दिखाया है। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो एक हीरो बनकर उभर चुके हैं, अब मीडिया से वो बच कैसे पाएंगे। जब प्रशांत किशोर इतने बड़े स्टार बन गए, अब वो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई राज्यों के चुनाव देख चुके, प्रधानमंत्री चेहरा ब्रांड पीएम बनाने में उनकी भूमिका रही और सुनील का साथ रहा, वो सुनील अब अकेले दम पर अब अपनी कंपनी के जरिए कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता दिलवा दी है, कई राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को स्टार नेता बना दिया है और अब 2024 की बारी है। कांग्रेस इन्हें छोड़ने वाली नहीं है, इनका साथ उन्हें निश्चित तौर पर चाहिए ही चाहिए। अब देखिए कर्नाटक में जो कैंपेन हुआ उसके बारे में जानकारी दी गई है, इसमें ललन टॉप ने लिखा है कि कहा जाता है कि सुनील भी प्रशांत किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर हैं। कर्नाटक में भी कई सारे चुनावी कैंपेन उन्हीं के डिजाइन किए हुए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस का पीसीएम कैंपेन काफी चर्चित रहा था, यह सुनील का ही आइडिया बताया जाता है। दरअसल राज्य के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की बीजेपी सरकार पर जो बड़ा आरोप लगाया था, आरोप यह था कि राज्य सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार का तमगा दे दिया। यहां भी सुनील ही काम कर रहे थे, मुद्दे को कब और कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, यह सुनील बखूबी जानते समझते हैं। इस वजह से पीसीएम वाला जो क्यूआर कोड आप देख रहे थे वो भी सुनील का ही डिजाइन किया हुआ था और इसके चलते ही बंबई की छवि खुलकर जनता के सामने आ गई, 40% कमीशन वाली छवि भी इस सरकार की खुलकर सामने आ पाई, क्योंकि वन वर्ड इंपैक्टफुल अगर हो तो लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है। हमने भी कई खबरें की तो हमने भी 40% कमीशन वाली सरकार का जिक्र हमेशा किया क्योंकि कांग्रेस इससे बढ़ चढ़ कर बोलती थी। हमने पीसीएम जैसे मुद्दे को भी उठाया क्योंकि जो करप्शन के आरोप लगे थे तो उसमें एक सटीक वर्ड बैठाने की जरूरत थी। और यहां देखिए कि कैसे रणनीति में सुनील ने तहलका मचाकर रख दिया। और इसमें भी एक जानकारी और देख लीजिए कि ये जो नंदिनी वर्सेज अमूल ब्रांड दूध को लेकर बवाल छिड़ा था तो उस बवाल में मुद्दा जो कर्नाटक की अस्मिता से जोड़ना था नंदिनी को, यह सब दिमाग सुनील का ही था। अमित शाह को अमूल ब्रांड थोपना भारी पड़ गया था और वहां भी कांग्रेस अपनी रणनीति में आगे रही थी। इसके अलावा सुनील के जो ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का अनुभव बताया जाता है और इसी अनुभव के जरिए उन्होंने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दिया है। एक आखिरी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए जो मोटा मोटी आप समझेंगे, यही है कि
सुनील के पास चुनावी रणनीति तैयार करने में अब 10 साल का अनुभव है। पिछले साल जब वो कांग्रेस से जुड़े थे तभी उन्हें उस टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया था जो 2024 चुनाव का काम देख रहा है। इस टास्क फोर्स में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। यानी 24 में भी ये कमाल कर सकते हैं। सुनील पर कांग्रेस ने खूब भरोसा जताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।